आज हम सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड है। इंडिया में किस किस को इम्पोर्टेंट पुरस्कार मिले और इंडिया से बाहर अलग देशों में किस किस को पुरस्कार मिले। तो जो इंडिया मिले वो राष्ट्रीय, जो इंडिया से बाहर मिले या अलग देशों में वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो 52वां था वो संक घोष को मिला था और जो 53वां है वो हिंदी लेखिका कृष्णा शोभती को 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु चुना गया था। ठीक है, 27वां सरस्वती सम्मान, कितना? 27वां सरस्वती सम्मान गुजराती कवि सितांशु यशस चंद्र को उनकी कविता संग्रह वखार के लिए मिला है। तो जो पहले वाला था वो महाबलेश्वर सैल को मिला था उनके उपन्यास हाउटन के लिए, और जो वो थे वो कोंकणी भाषा के थे, ये गुजराती भाषा के हैं सितांशु यशस चंद्र, और किस कविता संग्रह के लिए मिला है? वखार के लिए। 2017 का मातृभूमि साहित्य पुरस्कार एम के सानू को मिला। 2018 का साहित्य एकेडमी भाषा सम्मान शेष आनंद मधुकर को प्राप्त हुआ है, जो मगही भाषा के साहित्यकार हैं। आप इनको एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। याद तो करना ही नहीं है, नॉर्मल सिर्फ जब पेपर में अगर आएंगे तो ऑप्शन में आएंगे, सिर्फ आप इनको दो तीन बार देख लीजिए, इजीली लर्न हो जाएंगे। व्यास सम्मान हिंदी की वरिष्ठ महिला साहित्यकार ममता कालिया को किस उपन्यास के लिए मिला? दुखम सुखम के लिए, और मिला किसको है? ममता कालिया को व्यास सम्मान। मूर्ति देवी पुरस्कार बांग्ला कवि जॉय गोस्वामी को मिला, किस काव्य संग्रह के लिए? दू दोंदो फोवारो मात्रो। जो मूर्ति देवी पुरस्कार है उसमें जो रकम होती है, जो मिलता है, 4 लाख रुपए मिलते हैं, सरस्वती देवी की प्रतिमा मिलती है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मैन बुकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 का अमेरिकी लेखक जॉर्ज सैंडर्स को मिला, उनके किस उपन्यास के लिए? लिंकन इन द बर्डो। यह पुस्तक अब्राहम लिंकन की अपने बेटे की मृत्यु के बाद के दुख और उसकी कब्र पर उसकी यात्रा को बयान करती है। जो उपन्यास है लिंकन इन द बर्डो, तो वह अब्राहम लिंकन के अपने बेटे की मृत्यु के बाद के दुख और उसकी कब्र पर उनकी यात्रा को बयान करती है। इससे पहले जो मेन बुकर पुरस्कार मिला था वो पॉल बिट्टी को मिला था, और किस पुस्तक के लिए मिला था, किस उपन्यास के लिए मिला था? द सेल आउट के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2000, ये राष्ट्रीय है ये अंतर्राष्ट्रीय, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डेविड ग्रासमैन को, जो इजरायली लेखक है, और उनकी पुस्तक का नाम है ए हॉर्स वॉक्स इन टू अ वॉर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2015-16 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 31 अक्टूबर 2017 को दिया गया। मिला किसको है? प्रसिद्ध संगीतकार एवं समाज सेवी टीएम कृष्णा। ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड किसको मिला है? गौरंगा दास को, एंड ये तो छूट गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। वॉन हिप्पल अवार्ड 2017 CNR राव को मिला है। अन्ना पॉलिटकोवस्काया पत्रकारिता अवार्ड किसको मिला? पत्रकार गौरी लंकेश को मरणोपरांत, मीन्स मृत्यु के बाद। गौरी लंकेश इस अवार्ड को पाने वाली, जो गौरी लंकेश इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन सी पहली भारतीय महिला? बाकी ये 11 लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। UNHCR ननसेन रिफ्यूजी पुरस्कार नाइजीरिया वकील को मिला, जो है जनाह मुस्तफा। इनको किस लिए मिला है? नाइजीरिया में विद्रोह से प्रभावित बच्चों के मदद के लिए। ठीक है, इन्होंने मदद की थी तो प्रभावित बच्चों की मदद के लिए। थर्ड अमेरिकी बाजार परोपकार पुरस्कार किसको मिला है? अमेरिकी वकील अजय राजू, अमेरिकी वकील अजय राजू को अमेरिकी बाजार परोपकार पुरस्कार। तीसरा था ये थर्ड। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड बंदेश्वर पाठक को मिला, ये इम्पोर्टेंट है। 2017 वायलार राम वर्मा साक्षरता पुरस्कार TD रामकृष्णा। किस भारतीय व्यक्ति को जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो उधर जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट, किसको मिला है? वो भी भारतीय व्यक्ति को, राजेश नाथ को मिला है। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो ही सकता है बिल्कुल।
टाटा लिटरेचर लाइफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ध्यान रखना, ये अलग अलग है, टाटा लिटरेचर लाइफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोनों ही अलग है। ये टाटा लिटरेचर लाइफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और ये किसको मिला है, गिरीश कर्नाड को, और जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो रस्किन बॉन्ड को मिला है। किसके द्वारा मिला है, चंडीगढ़ साहित्यिक सोसाइटी द्वारा। सर्वश्रेष्ठ फीफा मेन्स प्लेयर, जो ये वाला मेन्स मीन्स पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। ये 4 बार गोल्डन शूज जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं। विष्णुदास भावे पुरस्कार मोहन जोशी को मिला है। मदर टेरेसा पुरस्कार UNHCR एजेंसी को मिला है। IMF अवार्ड वरिष्ठ पत्रकार माणिक बनर्जी, कौन से, माणिक बनर्जी को। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, एक मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को मिला है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। किस लिए मिला है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए। IFFI पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 मिला है अमिताभ बच्चन को, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। सर्वेंट्स अवार्ड किसको मिला है, सर्जियो रेमिरेज को। निकारागुआ के पूर्व राजनेता व लेखक हैं ये सर्जियो रेमिरेज, और जो सर्वेंट्स अवार्ड है वो स्पेनिश साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो अभी जितने क्वेश्चन अभी किए उतने ही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वो भी पुरस्कार के ही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।